हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू में स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर फॉर्म कब आएगा या परीक्षा कब होगी, अभी लेट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर वे में आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक के जो प्रवेश परीक्षा के सचिव जी हैं संतोष कुमार वैश्य जी के मुताबिक आप सभी के लिए क्या अपडेट किया गया, अभी तक फॉर्म को क्यों डिले किया गया है, अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आया, या आपके एग्जाम क्यों अभी तक कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। उससे जस्ट पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 की इस चैनल पर आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बस आपको सिंपल सा चैनल को आप रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आपकी अपडेट की आप इस सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिससे आगे की आप बेहतर तैयारी कर पाए। चूंकि लास्ट समय में दोस्त होता है कि प्रैक्टिस सेट या सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि आपकी ये प्रवेश परीक्षा का फॉर्म या फिर एग्जाम डेट क्यों अभी तक क्यों लेट हो रहा है। तो सिंपल सा आप यहां पर देख सकते हैं gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहां पर आपको इंट्रोडक्शन कुछ दिया गया है, परिचय ये दिया गया है कि आपकी प्रवेश परीक्षा किस मंथ में होती है, आपका आवेदन कब आता है, आपकी काउंसलिंग कब होती है, ये चीज इसमें मेंशन है। लेकिन ये पुराना है, पुराने का मतलब ये आपका अभी तक जो चलता आ रहा है वो है, और आज की अपडेट क्या है उसको आपको समझना बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है दोस्त कि बोर्ड परीक्षा और जेईई मेंस की तिथियों के बीच अटका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा शेड्यूल। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो बोर्ड परीक्षा और जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर अटक चुका है। इसको लेकर क्या कहा है, इसके वैसे जी के मुताबिक क्या अपडेट हुआ है, उसी चीज को मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ दोस्त। आपको बताना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर ये आपको नहीं दिख रहा, चूंकि ये पिक मुझे बहुत क्लियर नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको शब्दों के माध्यम से क्लियर वे में बताना चाहूंगा। सुनिएगा दोस्त, इसमें ये आपसे क्लियर वे में कहा गया कि पॉलिटेक्निक में दाखिला होने के लिए या लेने के लिए होने वाली जो प्रवेश परीक्षा है उसका शेड्यूल बोर्ड परीक्षा और जेईई मेंस की परीक्षा के बीच फंस चुका है। इसको इन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा और जेईई मेंस कराने की संभावित महीने की तो जानकारी है, लेकिन तय तिथि जानकारी न होने से संयुक्त परीक्षा का जो शेड्यूल है अभी तक जारी नहीं हुआ। सिंपल वे में आप सभी को पता है, जो आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो टेंथ के बाद भी स्टूडेंट बनते हैं और ट्वेल्थ के बाद भी स्टूडेंट इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो भैया, आपका अभी एंट्रेंस एग्जाम तब यहाँ पर होने वाली बात कही गई कि अभी आपका न तो बोर्ड एग्जाम हुआ है और न तो आपकी जेईई मेंस। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का भी आपका प्रेशर है इनके ऊपर, और दूसरा पॉइंट है जेईई मेंस का एग्जाम। तो दोनों एग्जाम यहां पर इसको रोके हुए हैं, अर्थात यहां पर अभी जो बोर्ड एग्जाम है, इन्होंने तो कह दिया कि हम इस मंथ में एग्जाम कराएंगे, जेईई मेंस वाले भी बोल दिए हैं हम इस मंथ एग्जाम कराएंगे, बट यहां पर अभी इन्होंने तय तिथि अपनी जारी नहीं की, इसीलिए संयुक्त परीक्षा अपना अभी तक शेड्यूल जारी नहीं कर सका है। जबकि हर साल दोस्त आप सभी के प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम का है वो 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, यह चीज बिल्कुल आपको पता है, और नहीं पता दोस्त तो आपको बता दूं 1 जनवरी से एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश प्रक्रिया का आवेदन जो है 1 जनवरी से आपका जनवरी से मार्च तक ये प्रोसेस चलता था आवेदन, ओके। और इसमें ये चीज मेंशन है दोस्त कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए हर साल संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे जिसका जिम्मा जो होता है संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिषद देखता है। तो यहां पर उन्होंने बिल्कुल वे में सिंपल वे में कहा कि प्रवेश परीक्षा परिषद के लिए 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती थी, लेकिन इस बार परीक्षा शेड्यूल तैयार नहीं किया गया है या नहीं हो पाया है। इसको लेकर उन्होंने वही कहा कि बोर्ड परीक्षा जेईई मेंस परीक्षा की तिथि को लेकर पॉलिटेक्निक का शेड्यूल लटक चुका है, जिसको लेकर एसके वैश्य जी के मुताबिक आप देख सकते हैं, इसके वैसे जी आपके संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है उसके सचिव हैं, वो आपके इसके वैसे जी हैं। उन्होंने ये चीज आपको बिल्कुल अपडेट किया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव जी ने बताया कि जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक बाकी परीक्षाओं की तिथि मालूम नहीं होगी तब तक आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल तैयार करना आसान नहीं होगा। आपको भी पता है दोस्त कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम है और आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बात की जाएगी और आपका एग्जाम जारी कर दिया जाएगा, तो हो सकता है आपका एग्जाम एक दूसरे से मैच कर जाए, डेट मैच कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अभी तक ये सिंपल वे में नहीं कह सकते कि आपका ये इस डेट में, हो सकता है कि आवेदन का फॉर्म आपको निकाल दिया जाए, आप फॉर्म को फिलअप करते रहे, लेकिन फाइनल एग्जाम की डेट को ये क्लियर वे में मेंशन नहीं कर
सकते, क्योंकि अभी तक जो बोर्ड एग्जाम है आपके सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अभी तक यहाँ पर फाइनली ये नहीं मेंशन किया कि इस तिथि में आपका एग्जाम होगा। वही चीज़ आप देख सकते हैं, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल से जून माह के मध्य होगी, लेकिन उनकी परीक्षाओं की तिथि क्या होगी इसको लेकर बिल्कुल क्लियर वे में उन्होंने भी नहीं कहा। साथ में दोस्त ये भी आपको मेंशन किया गया कि अभी तक वो तिथि नहीं जारी किए। इसी प्रकार आपके जेई बेस की जो परीक्षा है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होगी, इसका भी शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ। इसके अलावा जेई एडवांस की परीक्षा भी होगी, उसका भी अभी तक कोई भी यहाँ पर तिथि जारी नहीं की गई। तो इन्हीं रीजन के कारण आपको बताया गया कि जब तक सभी परीक्षाओं की तिथि नहीं घोषित होगी तब तक पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल तैयार करने में कठिनाई होगी। इसको लेकर उन्होंने यही कहा कि जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020-21 की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से दोस्त तैयारी कीजिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम है जेईई मेंस का, इसका जैसे ही शेड्यूल आपका जारी होगा ये सारी चीज़ें आपको अपडेट की जाएगी। कहाँ पर? gcup.nic.in जो अभी हमें ऑफिशियल वेबसाइट को आपके सामने मेंशन किया था उसी पर आपको अपडेट किया जाएगा। ओके, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसके वैसे जी के मुताबिक पूरा वहां पर अपडेट किया जाता है। तो मैं ये चीज आपको कह रहा हूं कि आपका अभी तक फॉर्म नहीं आया या फिर डेट यहाँ पर एग्जाम को नहीं, तो आप ये मत घबराइए कि आपका एग्जाम कब होगा या आपका एग्जाम, ये तो है फिक्स है कि आपका एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर अभी देरी बस वही कारण है दोस्त कि अभी सभी बोर्ड अभी अपना अपडेट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही बोर्ड अपना अपडेट करेंगे ये तुरंत यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए, हो सकता है जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर फॉर्म आपको यहाँ पर निकाल दें, या फिर आपको इसी जनवरी में ही आपका फॉर्म आ जाए। ठीक है, फॉर्म आपका आ सकता है क्योंकि जनवरी से मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप होता है, और जो आपके एग्जाम की फाइनल डेट है वो तो आपका तभी पता चलेगा जब बोर्ड या जेईई मेंस की जो एग्जाम की डेट है ये फाइनल पता चल जाएगा। उसके बाद ये इन्होंने अपना अपडेट करेंगे कि हाँ, बोर्ड आपकी जो प्रवेश परीक्षा की एग्जाम है वो इस डेट या इस मंथ में होगी। ओके, और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ये एसके वैसे जी के मुताबिक कहा गया कि यहां पर इस बार आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आप देख सकते हैं, दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इसके जस्ट पहले जो आपका, इसके जस्ट अभी पिछले जो आपका एग्जाम हुआ पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का, उसमें दो आपके एग्जाम मतलब ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप के होता है, और ग्रुप के में फिर और आपका ग्रुप आई, जे, के, इस प्रकार से ग्रुप जे है इन सभी का। तो ग्रुप ए को छोड़कर जितने भी और ग्रुप थे इन सभी ग्रुप का ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन ग्रुप ए का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस बार यह कहा जा रहा है कि आप सभी ग्रुप ए से हो, के से हो, आई से हो, जे, तो किसी भी अन्य ग्रुप से आप हैं, सभी ग्रुप का इस बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 आपका ऑनलाइन होगा। यह चीज यहां पर इन्होंने मेंशन किया, क्योंकि यहां पर अब की बार, ये पिछली बार जब एग्जाम हुआ उसमें चेक किया जा रहा था दोस्त, चूंकि ग्रुप ए के अंतर्गत बहुत कम होते हैं ग्रुप ए की तुलना में स्टूडेंट, तो वहां पर चेक किया गया कि आपकी प्रवेश परीक्षा जो हो रही है उसमें प्रवेश परीक्षा में क्या यह सक्सेसफुल हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम, जो कि सक्सेसफुली हो गया था। इसीलिए इस बार आप सभी की प्रवेश परीक्षा इसके वैसे जी के मुताबिक कहा गया कि ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। तो यहां पर आने वाले समय में पता चलेगा दोस्त कि पूर्ण रूप से ऑनलाइन, चूंकि स्टूडेंट बहुत होते हैं तो वहां पर ऑनलाइन अगर सेटअप होता है तो वो सारी चीजें कराई जाएगी जो चीज यहां पर मेंशन किया गया। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आगे आपको इस चैनल पर बेहतर तरीके से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो कराई जाएगी, साथ में समय समय पर आपको अपडेट दिया जाएगा कि आपकी यहां पर क्या कैसे प्रोसेस चल रहा है। और मैं जो परिचय की बात कर रहा था, आप यहां पर देख सकते हैं परिचय, आप यहां पर gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इंट्रोडक्शन आपको एक प्रकार से दिया गया उसमें आप देख सकते हैं सारी चीजें वही मेंशन है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अब दोस्त आपको बताइए, आपका फॉर्म ही आ जाता है, आप अगर बेहतर तरीके से आप तैयारी नहीं किए हैं, आपका एग्जाम आ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस करिए। अगर आप टेंथ में है तब अपनी पढ़ाई पर बोर्ड एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि आपको पता है टेंथ हो या ट्वेल्थ हो, आपके जो प्रवेश परीक्षा में जो एग्जाम होता है उसमें जो आपका सिलेबस रहता है वो टेंथ लेवल का आपका सिलेबस रहता है। अगर आपने टेंथ में बेहतर तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपनी मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ाए तो एक हर एक क्वेश्चन आप लगा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप और अच्छे से वहां पर अच्छे वे में कर सकते हैं, बस आपको अपने बेसिक्स को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। लेकिन हाँ, प्रवेश परीक्षा के लिए आपको प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करनी होती है, तो अभी से इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, जब आपके फॉर्म आ जाए, फॉर्म
को फिलअप कीजिए और आने वाले समय में अच्छे से प्रिपरेशन करके आप एग्जाम दीजिए। 100% आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के आपके बहुत से फायदे हैं, वो चीजें आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, आगे मैं आपको इसी प्रकार अपडेट करता रहूंगा। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है, वीडियो यहां तक देखा तो आप हमें कमेंट करके आप बताइएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, कहीं पर भी आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहां पर आपकी इच्छा है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दोस्त जैसे ही कोई फाइनल अपडेट आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर चीजें मैं मेंशन आपको कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।